नमस्ते, आज की रीडिंग है कि आपका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। सेकंड से लेके 8 अप्रैल तक आपके कैसा रहेगा। तो 3 जो है यहाँ पे नंबर्स हैं, 5, 7, 9, जो नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, जो ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, उस नंबर को जो है आप चूज़ कर लीजिए। जिन्होंने नंबर 5 चुना है उनका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक कैसा दिन रहेगा। तो चलिए देखते हैं। जो है आपका पहला कार्ड जो निकला है, किंग ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छा कार्ड है। दूसरा कार्ड भी बहुत अच्छा निकला है। तीसरा कार्ड भी आपका बहुत अच्छा निकल के आया है। चौथा कार्ड जो है वो भी बहुत अच्छा निकल के आया है। तो सारे के सारे जो कार्ड्स हैं काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीक आपका अच्छा जाएगा, कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। तो जो है कुल मिला के जो है आपका ये वीक जो है काफ़ी अच्छा जाएगा। आप सिचुएशन चाहे जैसी हो, आप कॉन्फिडेंटली मेच्योरली जो है एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे, मेच्योर रहेंगे, आपकी लाइफ जो है एकदम स्मूथली इस वीक बीतेगी। आपका जो है ध्यान किसी पर्सन, किसी हैपनिंग या किसी स्थिति पे, परिस्थिति पे हो सकती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इमोशनली आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं और इमोशनली ये वीक आपका अच्छा जाएगा। आप स्ट्रांग और पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, कुछ दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो है पर्सनल लाइफ में भी आप कुछ स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। आपकी चल रही है, आपकी इज्जत है, आपकी लोग सुन रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ मतलब कि कुछ पुरानी सोच, कुछ ट्रेडिशन, कोई अनुभवी इंसान दिखाई दे रहा है, या फिर आप ही कुछ ट्रेडिशनल हो जाएं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी होगी पर्सनल लाइफ जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये आपका काम है, काम का कार्ड भी बहुत अच्छा है। तो काम के लिए भी ऐसा लग रहा है आप मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि नज़दीक हो, आपकी मेहनत जो है सफल हो गई है। काम, व्यापार, बिजनेस जो भी है वहाँ पे आप जो है मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। आप स्पीड से आपको जो है यानी कुछ जल्दी में कुछ आपको अच्छा कुछ होगा, या फिर आपको स्पीड में काम करने की ज़रूरत है, ऐसा है कुछ। और आपको हो सकता है कोई अच्छी खबर मिले। तो ये जो है काम के हिसाब से बहुत अच्छा कार्ड आया है। फिर आपका है कि आपका एजुकेशन, पढ़ाई का भी आपका काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। आप पढ़ाई में ध्यान देने की सोच रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम कुछ करने की सोच रहे होंगे, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव पढ़ाई, कुछ ऐसा लग रहा है। आप सीरियस हो रहे हैं मुझे लग रहा है, मतलब आप पढ़ाई का ये सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई को सीरियसली लूंगा, मैं अपने गोल पे ध्यान दूंगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, तो वीक तो अच्छा जाना चाहिए। तो अगर आपको होप की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 7 चुना है उनका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा, 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक। तो चलिए कार्ड्स देखते हैं। तो पहला कार्ड काफ़ी अच्छा है, दूसरा कार्ड भी बहुत अच्छा निकल के आया है, तीसरा कार्ड भी बहुत अच्छा है, चौथा कार्ड भी बहुत अच्छा निकल के आया है। तो सारे कार्ड जो है काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। तो आपका जो है नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपके घर में जो है कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, इंजॉय करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, खुशी का माहौल रहेगा, गुड टाइम रहेगा, कुछ आप क्रिएटिव कर सकते हैं, आपको कोई विक्ट्री मिल सकती है। और आपकी पर्सनल लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। पर्सनल लाइफ में आप जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेच्योरिटी और डेडिकेशन के साथ अपने परिवार को संभाल रहे हैं, अपने परिवार का ख्याल रख रहे हैं। आपका जो है यानी पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही है। और आप जो है हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मदरली फिगर आए, कोई ऐसी औरत आए जो काफ़ी ममता से भरी हो, काफ़ी स्ट्रांग हो और काफ़ी डेडिकेटेड हो, ऐसी कोई स्त्री से भी आप मिल सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी जा रही है आपकी। और आपका काम जो है, काम भी बहुत अच्छा जा रहा है आपका इस वीक जो है, जो नेक्स्ट वीक है, आपको कुछ स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं किसी छोटे मोटे जो है व्यापार, बिजनेस, जॉब से रिलेटेड किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। तो जॉब, बिजनेस, व्यापार के जो है नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और
फिर आपका आता है पढ़ाई, पढ़ाई का तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीक अगर आपका कोई रिजल्ट निकलने वाला है तो उसका परिणाम काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके फेवर में, वो रिजल्ट निकलेगा। कोई एग्जाम होने वाला है तो आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम देंगे और अच्छा पेपर आपका जाने वाला है। आप जो है बहुत मतलब कि एकदम से कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करेंगे, डिटरमाइंड होके पढ़ाई करेंगे, पैसिमिस्टिक होके एकदम यानी स्ट्रांग विल से अपनी नेक्स्ट वीक पढ़ाई करेंगे। कुछ पढ़ाई में अच्छा नेक्स्ट वीक दिखाई दे रहा है, तो जो है सारे के सारे कार्ड जो हैं अच्छे आए हैं, तो नेक्स्ट वीक तो अच्छा जाना चाहिए। तो होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जिन्होंने नंबर 9 चुना है, चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो पहला कार्ड निकला है, डेविल कार्ड निकला है, और दूसरा कार्ड जो है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस, व्यापार के लिए कार्ड है, और ये कार्ड पढ़ाई के लिए है। तो पहला जो कार्ड है दिखाता है कि आप नेक्स्ट वीक कुछ आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कुछ आप हल्का फुल्का डिप्रेशन में हो सकते हैं, और मतलब हल्का फुल्का कुछ ऐसा, कुछ हल्का फुल्का धोखा दिखाई दे रहा है। किसी गलत इंटेंशन वाले आदमी से आप नेक्स्ट वीक मिल सकते हैं। आप अपने आप को हो सकता है किसी परिस्थिति, किसी हालात, किसी परेशानी में बंधा हुआ महसूस करें। मतलब कुछ थोड़ा सा परेशानी भरा नेक्स्ट वीक दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आप मटेरियल लाइफ भी नेक्स्ट वीक खूब इंजॉय करें। तो नेक्स्ट वीक जो है आपको हल्की फुल्की कुछ परेशानियां दिखाई दे रही हैं, किसी चीज़ में आप फंस सकते हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी की खबर मिले, आप कंसीव करें, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब आपका जो है पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी बीतेगी, फलता फूलता अच्छा बीत रहा है। आपका जो है लोगों पे कंट्रोल है, आप सबसे अच्छे से डील कर रहे हैं, तो अच्छा खासा आपकी पर्सनल लाइफ बीत रही है। काम काम में जो है हो सकता है कि आपको जो है काम को लेके, जॉब, बिजनेस, व्यापार जो भी है उसको लेके आपको हल्का सा स्ट्रेस हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपको अपनी, यानी आपके काम में जो है, जॉब या बिजनेस जो भी है उसमें कुछ परेशानी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको हल्का फुल्का धोखा मिले, या कुछ लोग आपको मिलके फंसा सकते हैं, ऐसा भी है। तो सावधान रहें और कम्युनिकेशन करें। अगर आप जॉब में हैं तो अपने सुपीरियर से अच्छे से कम्युनिकेशन बना के रखें, अच्छे से सबसे मिलजुल के बात करके रखें। तो काम में आपके हल्की कुछ परेशानी तकलीफ दिखाई दे रही है, कुछ प्रॉब्लम हल्की फुल्की हो सकती है। पढ़ाई जो है, पढ़ाई में नेक्स्ट वीक अगर आपका कहीं रिजल्ट निकलने वाला है तो उसमें कुछ आपके मन मुताबिक हो सकता है रिजल्ट ना निकले। एग्जाम होने वाला है तो हो सकता है कुछ कम अच्छा एग्जाम जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस है, पर डेफिनेटली नहीं है। तो कुछ हो सकता है कि आपको मतलब कि रिजल्ट इतने अच्छे ना हो आपका नेक्स्ट वीक। हो सकता है कि पढ़ाई में मन ना लगे। अगर आपका कोई रिजल्ट कुछ ऐसा हो भी जाता है तो फिर उसके लिए परेशान मत होइएगा, हार मत मानिएगा, क्योंकि रात के बाद सवेरा आता है। तो कुछ हल्का फुल्का पढ़ाई में पेनफुल दिखाई दे रहा है, या फिर अब अगर आपकी रेगुलर स्टडीज चल रही है तो उसमें हो सकता है कि आपका पढ़ाई में मन ना लगे, बस इतनी सी बात है। तो हल्की फुल्की बातें हैं। तो कुल मिला के जो आपके कार्ड्स हैं, पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी जा रही है, और कार्ड्स आपके थोड़े से कम अच्छे आए हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपको जो है हल्की फुल्की परेशानी हो। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।